नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुपवाड़ा से आ रही बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में माचुल इलाके के एलओसी टेकरीनर में सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो मिलिटेंट्स मार गिराए हैं और सुरक्षा बलों ने मारे गए मिलिटेंट्स से के कब्जे से दो AK-47 पिस्टल, चार हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं और मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम कुपवाड़ा के माचुल सेक्टर से, और जिस तरह से पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि दो अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है, और साथ ही यह भी बताया गया है कि उनके पास से दो AK-47 राइफल्स और पिस्टल्स के साथ साथ हैंड ग्रेनेड भी रिकवर किया गया है। तो चलिए रुक करते हैं कुपवाड़ा से, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शमीम ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, बताइएगा पुलिस की तरफ से क्या स्टेटमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सामने आया है और इस हवाले से अभी तक क्या जानकारी है? जी प्रियंका, मैं आपको आज दो दरअंदाज जो है हलाक किए गए हैं। इनके कब्जे से काफी मकदार में जो है गोला बारूद भी वो बरामद किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि ये आज सुबह तकरीबन 12 के 12:30 के करीब ये इन्फिल्ट्रेशन वहां पर हुई है और यहाँ पर जो फौज की जानिब से जो है उनको रोकने की कोशिश की गई पहले, लेकिन वो वहां से जो है उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की है तो दोनों अतराफ से जो है फायरिंग का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया, तो फाइनली जो है दो दरअंदाज थे वहां पर और उनको जो है मार गिराया गया है। हालांकि इनके कब्जे से जो है दो AK-47 राइफल भी जो है वो बरामद की गए, दो पिस्टल और चार फोर ग्रेनेड भी वहां से जो है बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जो है अभी लगातार जारी है। जी कुछ अभी तक नहीं पता चल पाया है आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, कौन सी तंजीम से ताल्लुक रखते थे, क्या नाम है, कौन सी जगह से ताल्लुक रखते थे, कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जी प्रियंका, अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी जो है पुलिस की तरफ से कोई इस चीज की तस्दीक नहीं हुई है, सिर्फ दो मिलिटेंटों की जो है मारे जाने की खबर वहां से जो है उसकी जो है तस्दीक हुई है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि किस तंजीम से वाबस्ता है और कहाँ के ये रहने वाले, लेकिन बताया जाता है जरा से हमें मालूम हुआ है कि ये फॉरेन मिलिटेंट है जो जिनकी शिनाख्त अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम ज्वाइन करने के लिए। साहिल शमीम हमारे साथ कुपवाड़ा से ज्वाइन किए हुए थे और लाइव में ये जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं हुई है, पर यह अभी तक सामने आया है इनके पास से दो AK-47 राइफल, दो पिस्टल, चार हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए हैं। इलाका कुपवाड़ा का माचुल इलाका टेकरीनार एलओसी के पास ये मुठभेड़ हुई जिसमें दो मिलिटेंट्स मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर को जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर आज भाजपा के जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बारे में मीडिया को जानकारी दी गई। इस दौरान तरुण चुग ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के कार्यक्रमों को के विस्तार से जानकारी दी और इसके अलावा तरुण चुग ने क्या कुछ कहा आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तीस सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अपने प्रवास के लिए आएंगे और ये 3 दिन वो जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के अलग अलग वर्गों को मिलेंगे और यहाँ के विकास कार्यों को और अपनी सरकार की गतिविधियों को बैठ के मिलेंगे। इस दौरान वो 2 बड़ी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। एक तारीख को सुबह 10 बजे
दो रजौरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और 2 तारीख को 10 बजे बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत बड़ा वर्ग रहा जिसको कभी मौका ही नहीं मिला। एसटी परिवार, एससी भाईचारा, उन सबको मौका देने का काम हमारी सरकार ने किया। यहां की महिलाएं, उसी तरह जब भी विकास की बात आई है तो रजौरी पुंछ का क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो गृह मंत्री जी खुद जाएंगे। उसी तरह हम कश्मीर के 10 जिलों की बात करते हैं तो वहां बारामूला वाला क्षेत्र नेगलेक्ट रह गया। तो इस बार की उनकी जो फेरी है, उनका जो टूर है, उसमें 2 क्षेत्रों को हमने पकड़ा है। जिस तरह 370 और 35 एकड़ टूटने के बाद हमने उन लोगों को, उन वर्गों को पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जिनको 70 साल तक दबा के रखा, जहां आने वाले टूरिस्टों की तादाद कई गुना बढ़ी, चाहे वो माता वैष्णो देवी हो, चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा हो, चाहे रघुनाथ मंदिर की यात्रा हो, चाहे इस प्रांत के अंदर टूरिस्ट प्लेस पहलगाम हो, श्रीनगर हो, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भगवान की सबसे सुंदर प्रस्तुति है, दिव्य है, सुंदर है। उसके नौजवानों को, ना तो जम्मू कश्मीर का नौजवान जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम आता था, ना जम्मू कश्मीर का पानी, ना जवानी, दोनों काम आता। अब जम्मू कश्मीर का पानी भी जम्मू कश्मीर के काम आ रहा है, जम्मू कश्मीर की जवानी भी जम्मू कश्मीर के काम आ रही है। यहाँ विकास, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन लेके आई है। अभी अगले कुछ महीनों में आपको दिखनी शुरू होगी कि भी कितनी तेजी से चीजें जमीन पर उतरी हैं। कल से शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है और नवरात्रों को लेकर जम्मू और इसके आसपास के माता के मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नवरात्रों के शुभ अवसर पर धर्मनगरी कटरा और माता वैष्णो के भवन में भी विशेष तैयारियां चल रही हैं और नवरात्रों की तैयारियों को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा और माता वैष्णो के भवन में किस तरह की तैयारियां की हैं, इसका खुलासा CEO अंशुल गर्ग ने किया। आइए देखते हैं इस बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शारदीय नवरात्रों में किस तरह की तैयारियां की हैं। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि हर साल शारदीय नवरात्रों में एक नवरात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है कटरा में, जिसके अंदर पर्यटन विभाग, जैन के प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक कोशिश होती है कि जितने भी श्रद्धालु इन नवरात्रों में माँ भगवती के दर्शनों के लिए आते हैं, सबको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें। इस साल भी उसी तर्ज पर हमारे माता का भवन, सारा यात्रा मार्ग को फूलों से सजाया जा रहा है। वेलकम गेट्स हमारे सभी यात्रियों के लिए, चाहे वो रोड से आ रहे हों, रेल से आ रहे हों, उनके लिए लगाए गए हैं। कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी इस बार बोर्ड की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि नवरात्रि की शुभकामनाएँ हमारे यात्री देश विदेश तक पहुँचा सकें। उसके साथ ही तकरीबन 14 डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं कटरा के अंदर 26 तारीख से शुरू हो जाएंगी, जिसके अंदर रामलीला, माता की कहानी, ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन, प्रभात फेरी, शोभा यात्रा, भागवत कथा और इस तरीके की मल्टीपल इवेंट्स हैं जिसके अंदर जो श्रद्धालु हैं हिस्सा ले सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो यात्री सुरक्षा के लिहाज से भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ऑनरेबल चेयरमैन साहब की डायरेक्शंस पर एक RFID एक्सेस कार्ड सिस्टम शुरू किया गया है और सभी यात्रियों को RFID एक्सेस कार्ड के जरिए ही यात्रा मार्ग पर अपनी यात्रा प्रारंभ करने दी जाएगी। कार्ड के जरिए रियल टाइम ट्रैकिंग और विभिन्न सेक्टर्स में यात्रा रेगुलेशन में हमें काफ़ी मदद मिलेगी और इस साल तकरीबन 120 CCTV कैमरास भी पूरे ट्रैक पर लगाए गए हैं और 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं ताकि बेहतरीन तरीके से यात्रा को रेगुलेट किया जा सके। जो यात्री व्रत रखते हैं इन दिनों में, तो उनके लिए व्रत के लिए स्पेशल जो भोजन है वो भी हमारे कटरा अर्धकुंवारी और भवन के भोजनालयों में तैयार किया जा रहा है और वापस जाते वक्त उनके लिए जो पंचमेवा प्रसाद, जो भी ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने हाल ही में लॉन्च किया था,
उसके लिए भी तकरीबन 12 प्रसाद केंद्रों पर वो उपलब्ध। चिनाब वैली में सड़क हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज भी जिला डोडा के असर इलाके में एक कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान संजय सिंह पुत्र जीवनलाल निवासी काठी रामबन के रूप में की गई है। किश्तवाड़ के ज्वालापुर में सेना की ओर से शहीद वरिंद्र कुमार की प्रतिमा स्थापित की गई। इस मौके पर शहीद की मां ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर परिजनों के साथ साथ सेना के अधिकारी भी उपस्थित थे और स्वर्गीय वरिंद्र कुमार शर्मा ने 25 सितंबर 2007 को अपने साहस और वीरता का प्रदर्शन किया था और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक ऑपरेशन में 2 आतंकियों का सफाया किया था और अंत में राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर ओबीसी समाज को भी एक उम्मीद की किरण जगी है। इसी सिलसिले में विजयपुर में आज ओबीसी समाज की तरफ से एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता में सरपंच सूरज प्रकाश और लबा राम गांधी ने ओबीसी समाज के अधिकारियों से बात की और प्रेसवार्ता में कहा कि 75 वर्षों से जम्मू कश्मीर की ओबीसी समाज पिछड़ा हुआ है और बहुत सारी सरकारें आई और गई मगर ओबीसी समाज को उनके अधिकार नहीं मिल पाए जिनका ओबीसी वर्ग हकदार है। 1 अक्टूबर को देश के गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि गृहमंत्री इस बार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा करेंगे। देखिए, आज जहाँ जो मेन मकसद है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं जनाब को ये बताना चाहता हूँ कि 1 और 2 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री जी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, तो उस दौरे में ओबीसी समाज को भी काफ़ी आस लगी है कि जो ही जम्मू में आएंगे, और पहली मरतबा तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया था यहाँ का, हमारे जो परसेंटेज थी जितनी जो पिछले साल हमें शुरू से मिलती आ रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम मुद्दा जो है वो ओबीसी को लेकर और एसटी को लेकर उठाया है। तो मेरे ख्याल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो ही माननीय गृह मंत्री 1 और 2 तारीख को जम्मू में जब आएंगे, तो मेरे ख्याल ओबीसी समाज जो है, जो पिछले काफ़ी समय से जो नाराज चल रहा है, उसके लिए एक खुशी की लहर होगी और जो आरक्षण की घोषणा है वो माननीय गृह मंत्री जो है वो अपने दौरे के दौरान जम्मू में जरूर करेंगे। हम भी ऐसे ही आरक्षण चाहते हैं जैसे हमारी अर्जाइनी स्टेट हिमाचल में ओबीसी को 19% का आरक्षण दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान की सभी स्टेट में दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी पॉपुलेशन के आधार पे हमारे को भी जहां आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे हमारे पहले 23 जाति ओबीसी समाज में इसमें आती थी, अब इन्होंने 32 जो कम्युनिटी जाति हैं वो इसमें कर दी, उनकी पॉपुलेशन के आधार पे हमारे को रिजर्वेशन मिले। हम बहुत आभारी हैं गवर्नमेंट का, हम इससे अलग कोई मांग नहीं कर रहे, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दें हम उसी से बहुत खुश हो जाएंगे, और हमारे को ये पूर्ण विश्वास था, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी डिमांड को समझते हुए ये पूरा करे, और इनका बहुत आभारी भी रहेंगे, इनका साथ भी देंगे। अगर ये ओबीसी समाज की डिमांड को पूरा नहीं करते फिर आने वाले इलेक्शन में इनको उसका खमियाजा। पिछले कुछ दिनों से रियासी प्रशासन की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत प्रशासन द्वारा शहर में अवैध रूप से लगाए गए रेड़ी फड़ी वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन बार बार चेतावनी देने के बाद भी अवैध रूप से रेड़ी लगाने वालों की रेड़ियां जब्त की, और इस अवसर पर तहसीलदार मुंशीराम ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में प्रशासन की ओर से शहर में अवैध रूप से वाहन पार्क करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था, देखो अभी तक जो फ्री में पार्किंग है वो हमारी वो कमेटी दफ्तर जो किले के नीचे है वहाँ भी है, नहीं होगी। मैंने खुद देखा है रोड पे, तो मैं खुद हटाने के लिए गया हुआ था, अंदर पार्किंग के लिए स्पेस है, एक
अगर किसी ने पैसे देकर करनी है तो वो जो पीछे जो नया वाला आईआरपी चौक पुराना बोलते हैं अब, वो उनका ऋषि कुमार जी कौशल का वो अब जहाँ स्टैचू नसब हुआ है उस वहाँ भी है, वहाँ तो पेड पार्किंग है हमारी गढ़ाल में फ्री में है, जहाँ भी ये जाना चाहते हैं। लेकिन एक बार मैं जो बता रहा हूँ, किले के नीचे कमेटी वाले सरकारी हैं, जो गढ़ाल में इतना बड़ा 24 कनाल का प्लाट है, बिल्कुल उस पर हमने साफ सुथरा करके रखा है, कोई फ्री में रखना चाहता है वहाँ पार्किंग कर सकता है आराम से। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को लागू करने की मांग को लेकर आज जम्मू जनरल लाइन टीचरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे टीचरों का आरोप था कि विभाग बिना किसी कारण एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को लागू करने में देरी कर रहा है, जिससे जनरल लाइन टीचर बेहद हताश हैं। टीचरों के मुताबिक एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में ट्रांसपेरेंसी थी और ये पॉलिसी करप्शन और इन्फ्लुएंस फ्री थी, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग इसे लागू करने में देरी कर रहा है। जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा फरवरी मंथ में चलाई गई थी, लेकिन उसको आज तक ना इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, अननेसेसरली डिले किया जा रहा है। तो उसके बरखिलाफ़ हमारा आज का प्रोटेस्ट है कि ये कोई रीज़न नहीं है अननेसेसरली डिले करने का। इसी में ये जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव चली थी, इसमें सबसे अहम बात ये थी कि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, करप्शन फ्री था और इन्फ्लुएंस फ्री था। और हर एक गवर्नमेंट की यही मंशा होती है कि उनके दौरान किसी भी तरह का कोई भी करप्शन या फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, जो पहली दफ़ा हिस्ट्री में एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है। लेकिन ना जाने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान क्यों इस ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो रीज़न उनको पता है। लेकिन अब इससे क्या हो रहा है, पिछले 8 महीने से हम टीचर मास्टर जो लोग हैं वो बहुत ही हरासमेंट सी फील कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि हमें दिन चढ़ते एक आस होती है कि शायद हमारी इस बार ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन रात ढलते ढलते हमारी वो जो आस होती है वो धराशायी होते हुए दिखती है, क्योंकि ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट करने का कोई भी फैसला नहीं आता है। हीरानगर के सांझी मोड़ से खानपुर गांव तक सड़क की खस्ता हालत अपनी व्यथा खुद बयां कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से 5 किलोमीटर सड़क की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। हर साल बरसात के दिनों में यह मार्ग बंद रहता है और फिर विभाग मात्र खानापूर्ति कर मार्ग को खुलवा देता है। सड़क पर पानी बहता रहता है, जिसे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। सारी जगह से टूटा हुआ है, अब तो बारिश नहीं, अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए फिर तो आप देखोगे कि जहाँ पे काफी ज्यादा लंबा जाम लगा होता है। और साथ में स्कूल है, मेन प्रॉब्लम तो ये है कि जब स्कूल के बच्चे जहाँ से जाते हैं तो आप जब देखोगे कि वही आजकल के टाइम पे भी जब वो अपनी निकरे वगैरह या पेंटे खोल के या बूढ़ हाथ में पकड़ के चलते हैं तो बड़ी हमें शर्म की बात आती है। ये आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, एज पर जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि इस रोड का ऑलरेडी एक टेंडर वगैरह कुछ बता रहे हैं हुआ पड़ा है, तो अब मैं तो चाहता हूँ कि इस जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए। अच्छा। और ये वाला रोड हमारे पूरे बॉर्डर एरिया को हाईवे से कनेक्ट करता है, तो इसकी एक बड़ी ज्यादा बहुत ही ज्यादा डिमांड है इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की। मेरा नाम सर विजय कुमार है, खानपुर का रहने वाला हूँ, तहसील मडीन का हूँ। सर ये रोड जब से हमारे को रोड है, ये रोड है खानपुर रोड है, राजबाग टू सांझी मोड़ मिलता है। अच्छा। ये सर हमने जब से देख रहे हैं ऐसा ही रोड है, बिल्कुल बेकार रोड है, हमारे को चलने को बहुत दिक्कत होती, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। सर जी इतनी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, स्लैब रुड़ गए हैं पूरे, बहुत बुरी हालत है हमारी आज तो तक कि बारिश है, जब बारिश होती तब क्या हाल होता है इस रोड का? बहुत खराब हालत होती है सर, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कितना पानी आता है? पानी कम से कम सर 2 मसातर तक आता है ऊपर तक। मढ़ ब्लॉक की पंचायत सहारन के किसानों ने कृषि विभाग पर घटिया धान का बीज देने का आरोप लगाया है और किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग ने इस बार जो उन्हें धान का बीज दिया है वो इस कदर घटिया है कि अभी तक उसमें धान का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। किसानों के मुताबिक सितंबर महीने में आम तौर पर धान की फसल पक जाती है और किसान उसकी कटाई भी आरंभ कर देते हैं।
लेकिन कृषि विभाग के इस बीज में अभी तक कुछ भी नहीं होगा और किसानों ने सरकार से इस बीज की जांच करने और पीड़ित किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। हमारे गांव में जो भी एग्रीकल्चर सीड लिया हुआ ना, देखो का पूरा अभी तक कोई नहीं है। इस समय जो धान जो हमारी पकने वाली है, लेकिन नहीं है, क्योंकि किसानों को डबल मार लग रही है। एक तो हमारे जो जानवर थे वो भी, पशु थे, वो बीमार हो गए हैं, कई मर भी गए हैं। किसान को दो किस्म की आमदनी होती है गांव में, एक तो पशुओं की दूध बेचते हैं और दूसरी जो है फसल की होती है। दोनों तरफ से मार लगी, आप किसान करेगा कि क्या करेगा। इससे उसको उम्मीद होती है कि हम अपने गांव में कोई अपना घर बनाएंगे, या कोई बच्चे की शादी करेंगे, या कोई दूसरा काम करेंगे। लेकिन ये दोनों चीजें खत्म हो गई हैं, अब किसान क्या करेगा। क्या जिन लोगों ने सीड आपको गलत दिया है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, जो गलत सीड दिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये सीड है, इसको पहले टेस्ट किया होता है, अगर टेस्ट किया होता तो ये खराब क्यों निकलता। इससे लगता है कि इन्होंने पुराना सीड दिया है, तो ये इसलिए खराब हुआ है। ये सीड की जो बात है, अभी इसमें हमने जो अपना 44 जो है सीड 4666, ये हमें 845 रुपये और 3 kg जो सीड हमें मिला है ये। लेकिन इसके बावजूद 71 सीड है वो 1100 का 3 kg था, और उसके बाद बासपति है जो 44 रुपये kg, मतलब 44 रुपये kg हिसाब से दिया है। लेकिन हमें ये देखने वाली चीज़ है कि अक्टूबर महीना आने वाला, 4 दिन के 5 दिन के बाद अक्टूबर महीना आ जाएगा। इस वक्त जो हमारी जो धान की फसल है, ये खास करके 71 और ये अपनी 44 और जहाँ दूसरी जो हमारी एक लोकल होती है शरबती, ये सारी पक जाती है। शरबती हमारी घर की है, बहुत सारी अभी पकने वाली है, आप पीछे देख रहे हैं, ये सभी पकने वाली है और तकरीबन पक गए और कटाई भी हो रही है। लेकिन जो एग्रीकल्चर द्वारा हमने लिया हुआ सीड जो है 44 का और इसका अपना 71 का, इसका जो बिल्कुल है ये अभी तक इसका कोई जो निश्रित कहते हैं हमारे जो को निश्रना कहते हैं कि अभी तक ये निश्री नहीं है, क्योंकि इसका जो धान की जो चावल है वो अभी तक इसका बाहर नहीं आया है। इसलिए एग्रीकल्चर विभाग ने हमारा इतना नुकसान किया है कि हम बता ही नहीं सकते। मौसम की भेंट चढ़ी फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर आरिसपुरा के गांव गाजिया के किसानों ने प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप था कि पिछले वर्ष ओलावृष्टि के कारण उनकी धान की फसल तबाह हो गई थी और सरकार ने उनके नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की घोषणा की थी, जिसके बाद गाँव के अधिकतर किसानों को ये मुआवजा भी मिला। लेकिन अभी भी कुछ किसान हैं जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इन किसानों का आरोप है कि वो मुआवजे के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक राजस्व विभाग ने उनके नुकसान की भरपाई नहीं की। खराबा एन पे ही तो पिछले साल का खराबा, कोई बंदे चंद रह देने 10-12, उन्होंने पैसे नहीं मिले, बाकी लोगों ने मिल गए देने, तो इन्हों का भी जनाब मिलता है। किसान कियां किसानी करनी है ना, जिम्मेदारी कियां कर सकते हैं बंदे, इन्हों मुआवजा मिलना चाहिए। साड़ी अगर यही अपील है कि इन्हों मुआवजा मिलना चाहिए बंदे, उत्थे किन्ने बार चक्कर लाए ना, उन्हें कागज देने, आधार कार्ड बैंक का भी मंगते ना, तहसील देने आखिया भेज देंगे पैसे, तो भेजते भूजते है नहीं महाराज। कम से कम मेरा कोई 200-400 रुपये का किराया लग गया, दौड़ दौड़ के बंदे लै लैके जाना, उत्थे कख भी करते, कुछ पैसे भेजते ही नहीं है। की कारण है खराबा, किस कारण होया खराबा? आया एन पे ही महाराज, जी पिछले साल वो खराबे वास्ते 750 रुपया गोरमेंट ने कढ़िया ही रेट, तो कुछ बंदे पैसे आ गए, तो कुछ बंदे पैसे आए कि नहीं, अजे तक दिते कि नहीं आए। जी मुंजी का खराबा पिछले साल का मतलब है एन की वजह न हो गया ही, सानू कुछ मतलब है जी, कुछ किसानों नू मिलिया, बाकी कोई अद्धे कोला ज्यादा रेंदे पे ने, मेहरबानी करके सानू भी दिता जाए। बड़ा खर्चा होंगे, अजकल बचता कुछ है नहीं, तो अं गाजिया पिंड के रहने वाले हाँ, तहसील आरिसपुरा से, इस वास्ते करके सानू मेहरबानी करके साडा खराबा दिता जाए, ताकि अं भी कोई फसल फुसल अगू लगा सकी। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फार्मासिस्ट ने केक काटकर इस विशेष दिन का जश्न मनाया। कार्यक्रम में एसोसिएशन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके फार्मासिस्ट को याद किया गया, और इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील सुदन सहित अन्य एसोसिएशन के सदस्यों ने भी भाग लिया।
फार्मासिस्ट डे जो है हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। 1912 में तुर्किस्तान में ये शुरू हुआ था। हमारी FIP है जो वो एक तय करती है, हर साल एक अलग थीम होता है, उस थीम के मुताबिक जो है फार्मासिस्ट जो है काम करता है। फार्मासिस्ट अलग अलग किस्म के फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट जो ड्रग्स में काम करते हैं वो भी फार्मासिस्ट हैं, जो एजुकेशन में काम करते हैं वो भी फार्मासिस्ट हैं। तो फार्मासिस्ट जहाँ दवाई वहाँ मेडिसिन, या वहाँ फार्मासिस्ट। तो हमारा ही हमेशा यही रही है कि अभी आपने देखा होगा COVID-19 में हमारे बहुत से फार्मासिस्ट की शहीद हुए हैं, तो उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की तमाम फार्मासिस्ट को और बाकी इम्प्लॉइज को भी इनको मुबारकबाद देता हूँ। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।